हेलो एवरीवन, आज तक आपने इडली की बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई होंगी, लेकिन आज जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसी वाली टेस्टी डिलीशियस रेसिपी कभी नहीं देखी होंगी। तो चलिए, ये लेफ्ट ओवर इडली है, इसका हम क्या कर सकते हैं इसकी मैं रेसिपी आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लेंगे तेल, तो तेल उतना लेना है जितने अगर आपकी इडली है 4 से 5, तो मेरे पास 5 से 6 इडली थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून ऑयल। उसको गरम करेंगे अच्छे से, उसके बाद हम इसमें टेम्परिंग के लिए डाल रहे हैं जीरा और राई। उसी के साथ हम इसमें डालने वाली है रेड चिली। मैं थोड़ी सी रेड चिली ज़्यादा कट करके डालूंगी इसमें, और थोड़ी सी सेसमे सीड्स यानी सफ़ेद तिल। तो सफ़ेद तिल से इसमें एक अलग ही टेस्ट आती है और इसका हेल्दी न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ जाती है। इसी के साथ फ्रेश करी लीव्स हमने इसमें डाले हैं, और इसको अच्छे से टेम्परिंग होने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारी बची हुई इडली का जो कट करके क्यूब्स हमने बनाए हैं वो। और इसी के साथ मैंने थोड़ा सा इसमें फ्रेश कोरिएंडर डाला है, और इसी के साथ हम डालेंगे इडलीस। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कितनी क्विक ये रेसिपी है, बहुत ही इंस्टेंट है। आप अगर चाहते हैं इडली मंचूरियन बनाना, अगर और भी कोई रेसिपी बनाना है तो बहुत टाइम लगता है उसमें, और ये स्पेशली किड्स के लिए है, बच्चों के लिए है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसको बहुत ही चटकारे लेके खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी है। मैंने इसको ट्राई किए है, ये मेरी न्यू रेसिपी है। मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ डिफरेंट बनाएं, हम हमेशा ही इडली का मंचूरियन बनाते हैं, इडली फ्राई बनाते हैं समथिंग, तो इस बार क्यों ना मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट दे दूं, और जो कि बहुत ही क्विक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी अगर आपको है और बिल्कुल 2 to 5 मिनट्स में अगर आपको बनाना है, तो ये इडली की बची हुई इडली की ये रेसिपी ज़रूर बनाइए। और हाँ, इसके साथ आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर, लेकिन मुझे रेड चिली का टेस्ट यहाँ पे ज़्यादा टेस्टी लगा। आपको कैसा लगा अगर हरी मिर्च आपने यूज़ की है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए। एक बार इस इडली को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस इडली की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है, और आप देखेंगे कि विद इन मिनट्स एकदम पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसके साथ ये जो रेड चिली है ना, इसका क्रंच टेस्ट स्पाइसीनेस इसमें उतरता है, और जब हम इसको फ्राई करते हैं इडली को तो ये हल्की सी क्रिस्प हो जाती है। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इसको हम मतलब जो ढोकला है, ढोकले से भी ज़्यादा टेस्टी ये इडली फ्राई एकदम बहुत ही बढ़िया टेस्टी रेसिपी है। और मेरे और भी बहुत सारी टेस्टी डिलीशियस क्विक रेसिपीज़ है, उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना के रखी है, क्विक स्नैक्स की प्लेलिस्ट है, तो आप उसको भी देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए, मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।